तो आज हम लोग जो है आपके क्लास 12th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म। चैप्टर नहीं कहना चाहिए इसको, बेसिकली क्या है कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स का कलेक्शन है मैग्नेटिज्म। और एक एक करके पहले चैप्टर्स का नाम बता देते हैं, कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं। और ये लगभग 12th के सिलेबस का, अगर आप बोर्ड एग्जाम का बात करें तो बोर्ड में तो सिर्फ 12th आ देगा, तो ये बोर्ड एग्जाम का 15 से 20% अकेले हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट मिला दो तो उतना बड़ा ये चैप्टर हो जाता है। इसमें पहले हम लोगों को तो सबसे पहले पढ़ना है मैग्नेट के बारे में, ठीक है। मैग्नेट सब कोई देखे ही, ब्लैक कलर का स्पीकर में लगा रहता है। फिर मैग्नेट के बाद हमें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है बेसिकली, और उसके बाद हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, और उसके बाद पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेज एंड करंट, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करे तो उस पर क्या फोर्स लगता है। फिर फोर्थ में हमें पढ़ना है अर्थ मैग्नेटिज्म। फिर एक और है लास्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के इतने चार पांच चैप्टर्स का कलेक्शन है आपका। अब क्या है कि चूंकि इस साल 30% सिलेबस कट हुआ है, इसमें से कुछ कुछ पार्ट हटा दिया गया है, और जो भी पार्ट बोर्ड से हटा है वो पार्ट जेई मेन से भी हट जाएगा और नीट से भी अगले साल। तो वो जो पार्ट है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा हटा दिया गया है, ये वाला 5th वाला। इसके अलावा मैग्नेट में भी सिर्फ डेफिनेशन छोड़ा गया है, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके एक्सिस पे या इक्वेटोरियल लाइन पे, ये सारी डिटेल्स हटा दी गई है। मैग्नेट का बिहेवियर भी हटा दिया गया है। खैर हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट करेंगे, और पहले तो हम लोग सारा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, वो पार्ट जो बोर्ड में है, ठीक है। फिर बचा हुआ जो पार्ट है उसके बारे में लास्ट में सोचा जाएगा क्या करना है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट कभी जेई एडवांस के सिलेबस में ये सब था भी नहीं, मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ मेन में था और बोर्ड में, और बोर्ड और मेन दोनों से हट गया है। तो हम लोग बाद में सोचेंगे कि करना क्या है, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक मेन को लेके क्लैरिटी भी आ जाएगा कि मेन और नीट के सिलेबस में क्या चेंज हो रहा है अगले साल। तो हम लोग फिलहाल एक चैप्टर का लिस्ट लिख लो, और हम लोग मैग्नेट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैग्नेट से स्टार्ट करते हैं, चलो न्यू पेज पे चलते हैं। मैग्नेट वर्ड से पहले थोड़ा सा कहानी सुनो मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म का कहानी यह है कि एक कंट्री है ग्रीस, कहते हैं मिस्र हिंदी में। ग्रीस में ऐसी कहावत है कि पहले के जो चरवाहे होते थे, चरवाहे जो है पैर में जो जूता पहनते थे उसमें लोहा होता था, पहले जूते के सोल में लोहा होता था। अब ग्रीस में ये इनको चलते चलते, चरवाहे क्या होते हैं कि जानवर जब चराते रहते हैं तो कुछ पत्थरों पे इन्होंने देखा कि इनका ये जो लोहा वाला जूता है ना वो पत्थरों पे स्टिक कर रहा है, चिपक रहा है, मतलब बहुत मुश्किल से छोड़ाने पर छूटता था। तब वहां से उन्होंने लगा कि भाई ये पत्थर में तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है लोहे को। बाद में पता चला कि वो पत्थर जो था वो Fe2O3 था, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, ठीक है। जिस जगह पे ये मिला था उसका नाम था मैग्नेशिया, और मैग्नेशिया में ये पत्थर मिला, ये आयरन का एक तरीके का ओर है, इसका नाम था मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट वर्ड से ही फिर बाद में निकल के वर्ड आया मैग्नेट, और मैग्नेट वर्ड जो है उससे निकल के फिर आ गया आपका मैग्नेटिज्म। ये कहानी वहीं से आई थी, ये बहुत साल पहले खोजा गया था। तो अगर इसको डिफाइन करना हुआ एक लाइन में तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैग्नेटिज्म को देखो, मैग्नेटिज्म
इसका डेफिनेशन देखो क्या होगा, लिख देते हैं यहाँ पे, देखो टू बॉडीज इवन आफ्टर बीइंग न्यूट्रल शोइंग नो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन, न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं है और उनमें कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन का मतलब ये Q1 Q2 by R होता था ना वो वाला नहीं है फोर्स, दे मे अट्रैक्ट और रिपेल स्ट्रॉन्गली इफ दे हैव ए स्पेशल प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया मैग्नेटिज्म में एक लाइन का। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? टू बॉडीज इवन आफ्टर बीइंग न्यूट्रल मे अट्रैक्ट और रिपेल स्ट्रॉन्गली इफ दे हैव ए स्पेशल प्रॉपर्टी, तो एक तरीके की प्रॉपर्टी है, एंड द फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट और रिपेल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जिस तरह से दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उसी तरह से दो बॉडीज के बीच में अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या मैग्नेटिज्म का बिहेवियर होगा तो जो फोर्स एक दूसरे पर एग्जर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, और ऐसे बॉडीज का एक स्पेशल नाम है हम लोग उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेट, ठीक है। अब मैग्नेट जो होता है वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों जो मैग्नेट मेनली हम लोग पढ़ते हैं वो होता है आपका बार मैग्नेट, ठीक है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो मेनली बार मैग्नेट पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को लैब में या एक्सपेरिमेंट करने के लिए हर जगह बार मैग्नेट ही यूज करना पड़ता है। अब बार मैग्नेट का शेप कैसा होता है देखो, तो बार मैग्नेट जैसा कि नाम है किस तरह का शेप होता है, इस तरह का मैग्नेट होता है और यहाँ पर इसको ज्वाइन करा दो तो ये बेसिकली एक क्या बोला जाए क्यूबॉइड के शेप में होता है, इस तरह से होता है, दिस इज योर क्यूबॉइडल शेप। अब ये जो बार मैग्नेट है इसमें देख रहे हो ना क्यूबॉइडल है, तो इधर का ये जो एक फेस होता है और इधर का एक फेस को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और एक फेस को साउथ पोल। अब किसको नॉर्थ किसको साउथ ये डिसाइड करना बड़ा आसान है, ये अगले पेज में भी एलोबोरेट करते हैं। पहले ये जान लो कि बार मैग्नेट को बार मैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक बार की तरह होता है, जैसे साबुन की टिकिया को भी हम लोग सोप बार बोलते हैं ना, उसी तरह से ये बार के शेप में क्यूबॉइड के शेप में। इसको नोट कर लो पहले फिर आगे बढ़े। अब देखो बार मैग्नेट के मेन प्रॉपर्टी क्या है वो समझते हैं। सपोज ये आपका नॉर्थ साउथ एक्सिस है, ठीक है, नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल में, और ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट एक्सिस। तो ये आपका हो गया नॉर्थ साइड, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब देखा क्या गया है कि जब भी बार मैग्नेट को किसी छत से ऐसे हैंग करोगे, मान लो ये छत है और यहाँ से आपने ऐसे धागा लगा करके एक बार मैग्नेट को इस तरह से छत में सेंटर पे बांध देना है, ऐसे सेंटर पे आपको बांध देना है ताकि वो टेढ़ा ना हो। अब ऐसे बांध करके देखोगे तो ये अपने आप नॉर्थ साइड साउथ अलाइन हो जाता है, अपने आप, मतलब एक फेस जो होगा इसका नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और एक फेस साउथ की तरफ। तो उस चीज को अगर हम यहाँ डायग्राम में दिखाएं तो ये इस तरीके से होगा, ये हो गया एक पोल और एक इधर आएगा, होता तो वही क्यूबॉइड के फॉर्म में है। और इस तरह से अगर आपने छत से बांधा है तो ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप इसको टेढ़ा भी कर देंगे तो ये ऑसिलेट होकर के एक फेस इसका नॉर्थ की तरफ हो जाएगा और एक फेस इसका साउथ की तरफ। तो जो फेस नॉर्थ की तरफ पॉइंट किया उसका नाम रख दिया गया नॉर्थ पोल, और जो फेस साउथ की तरफ पॉइंट किया गया उसका नाम रख दिया गया साउथ पोल। ये नोमेनक्लेचर वहीं से आया था कि बार मैग्नेट को जब भी हैंग करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका नॉर्थ साउथ अलाइन हो जाता है, इसका एक फेस पक्का है कि नॉर्थ की तरफ अलाइन होगा। तो अगर ये नॉर्थ है तो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। चलो इसको नोट कर लो, बस डायग्राम ही इसमें बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि संक्षेप में समरी वाइज दो तीन प्रॉपर्टीज जान लेंगे बार मैग्नेट के, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज जो है ये सब बोर्ड एग्जाम वगैरह में कभी पूछ दिया तो जानने के लिए ऑब्जेक्टिव में काम करेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट।
सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है जो सबको ही जानते हैं, एक बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। जो अपोजिट पोल्स होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड सिमिलर पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं। ये सबको पता, बचपन से सबकी हर किसी ने देखा है कि बार मैग्नेट में जो अपोजिट पोल होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम इस तरह से दो बार मैग्नेट इस तरह से ले ले, ठीक है, और अगर आपका ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये इसका साउथ पोल है, तो इसका ये नॉर्थ हो गया और इसका ये साउथ हो गया। तो जब सामने से रखोगे तो ये जो अपोजिट पोल्स हैं ये एक दूसरे पे ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और बिल्कुल कूलम्स लॉ की तरह ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अपोजिट पोल आपका अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और सिमिलर पोल अगर दिखा दे, तो जैसे अगर ये पोल है या ये एक बार मैग्नेट ये है और ये एक बार मैग्नेट ये है, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये जो पोल्स है ये आपस में एक दूसरे पे ऐसे रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। वैसे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये समझने वाली बात है कि मान लीजिए कि एक बड़ा सा आपके पास ऐसे बार मैग्नेट था। अब इस बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था। किसी ने कहा कि हम यहाँ से बीच से अगर इसको हैमरिंग करके या हथौड़ा मार करके तोड़ दे, तो तोड़ देंगे तो अब बताओ इसका दो टुकड़ा बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से टूट गया ना, तो दो टुकड़ा बनेगा आपका, एक टुकड़ा ऐसे निकला इधर में और एक टुकड़ा आपका इधर निकला, ऐसे दो टुकड़ा निकल गया। मजेदार बात क्या होती है कि अब इस टुकड़े में यहाँ पर ये साउथ पोल था और यहाँ से ये ऐसे ये टूट के निकला था और यहाँ भी ये ऐसे टूट के निकला था, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक नॉर्थ पोल बन जाता है और फिर यहाँ पर एक साउथ पोल बन जाता है और यहाँ पे फिर एक नॉर्थ पोल, तो ये वाला पहले से था। तो जैसे ही आपने इसको ब्रेक किया ये दो इंडिविजुअल बार मैग्नेट्स में टूट गया, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा को एग्जिस्ट करते हैं। अकेले आप तो सोचेंगे कि यहां से तोड़ दे और साउथ पोल अलग हो जाए नॉर्थ पोल अलग हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा कि अगर मान लो तुमने सोचा कि इसको भी तोड़ देते हैं तो कोई फायदा नहीं है, इसको भी तोड़ने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, ये जो दो मैग्नेट छोटे छोटे बनेंगे इस तरह से, इनमें भी उसी तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा, मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि अलग करना एकदम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यहाँ पे फिर से नॉर्थ साउथ बन जाएगा। तो आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, ये छोटा सा भी पार्ट हो जाएगा तो भी उसमें नॉर्थ और साउथ होगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखें, तो इसको हम लोग लाइन में एक ही लाइन में लिखते हैं, बड़ा सटीक लाइन है कि जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, प्लस क्यू भी होता है और माइनस क्यू भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी एग्जिस्ट करता है जहां क्यू और माइनस क्यू दोनों होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की दुनिया में सिंगल पोल या यूं कह ले मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, जब भी एग्जिस्ट करेगा ये डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। भाई इसको डाइपोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। तो इस लाइन को, सेकेंड पॉइंट को लाइन में हम लोग ऐसे लिखते हैं कि मैग्नेटिक मोनो पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। आपको कोई बोले कि खाली नॉर्थ पोल लाके दिखा दो तो पॉसिबल ही नहीं है, जहां जहां नॉर्थ जाएगा पीछे पीछे साउथ भी उसके साथ होगा ही होगा, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
तो ये पढ़ना है। देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में समझते हैं। अब कोई भी आप बार मैग्नेट लेते हैं तो इसमें दो पोल होता है, ये तो क्लियर हो चुका है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल इज कॉल्ड पॉजिटिव पोल, इसको हम लोग पॉजिटिव पोल कहते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव पोल। ये नोमेनक्लेचर है बस, शुरू से ही साउथ को नेगेटिव पोल लिया गया है। ठीक है, जिस तरीके से प्लस क्यू और माइनस क्यू आपने डाइपोल पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, एक होता है माइनस क्यू और एक होता है प्लस क्यू, उसी तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते थे वहां पर, सिर्फ डाइपोल बोलते थे, या इसका असली नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी तरह से चूंकि इसमें भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव पोल है तो हम इसको क्या करते हैं कि एक डाइपोल के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और डाइपोल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ पोल को माइनस एम से। ठीक है, तो चूंकि एक बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो ए बार मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड आपका मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, तो माइनस एम प्लस एम मैग्नेटिक डाइपोल। आपको ये एम क्या है, दिस एम रिप्रेजेंट्स पोल स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ, तो अगर इसमें कहा जाए कि माइनस क्यू और प्लस क्यू में व्हाट इज चार्ज, क्यू क्या है, तो आप क्या बोलते थे कि ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, चार्ज से हमें ये पता चलता है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड से तो चार्ज कितना ताकतवर है। जैसे अगर आपको क्यू बोला जाए दो कूलम है और एक बार बोला जाए कि दो कूलम नहीं पांच कूलम है, तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है कि पांच कूलम वाला चार्ज दो कूलम वाले से ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा ताकतवर है, ये अपने आसपास पांच कूलम वाला ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा दो कूलम के मुकाबले। उसी तरह से बार मैग्नेट की दुनिया में ये जो प्लस एम और माइनस एम है इसे हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं और इसके नाम में ही मीनिंग छिपा हुआ है। स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकत। तो इसको वो ऐसे समझ सकते हैं कि एक पोल कितना ताकतवर है, ठीक है, वो इस पोल स्ट्रेंथ टर्म से पता चलता है, पोल की ताकत बताता है। बोलोगे पोल की ताकत का मतलब, अब मान लीजिए कि नंबर में कि एक बार मैग्नेट मिला जिसका पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 10 यूनिट है, अभी हम यूनिट बताते हैं इसका, और एक दूसरा बार मैग्नेट मिला जिसका पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए 20 यूनिट है, तो ये बिल्कुल वैसे है कि ये जो बार मैग्नेट है ये अपने आसपास में अगर तुम छोटा मोटा कांटी रखोगे, कील रखोगे, तो देखोगे बार मैग्नेट सबको खींच करके अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट तो दोनों करेंगे बट इसका जो अट्रैक्शन होगा ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा। पता चलेगा कि जो 10 यूनिट वाला बार मैग्नेट है वो 10 सेंटीमीटर दूर तक की चीजों को खींच रहा है, तो ये पता चलेगा 15-20 सेंटीमीटर वाले को भी खींच ले रहा है, तो आप क्या कहेंगे, कह रहे वाह इसका ताकत ज्यादा है, तो उसी ताकत वर्ड से आया स्ट्रेंथ। क्योंकि ये स्ट्रेंथ पोल का है इसीलिए हमने इसको नाम रख दिया पोल स्ट्रेंथ। तो ये बस समझने के लिए था, इसको मिटा देते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट की बात कर रहे थे, जैसे चार्ज का यूनिट कूलम होता है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर इनटू मीटर। अब ये कहां से आता है ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, आगे चल के जब हम लोग फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे जहां पोल स्ट्रेंथ यूज होता है तब आपको पता चल जाएगा कि एम्पियर मीटर कहां से आया, बस अभी यूनिट नोट कर लेना है। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक डाइपोल में दो पोल होते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। चूंकि अब इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक डाइपोल, तो याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता था जो कि होता था क्यू इंटू एल, याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसी तरीके से बार मैग्नेट में एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल
मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है उसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, और ये होता है स्मॉल एम इंटू एल। स्मॉल एम इंटू एल होता है। अब ये कहोगे ये एकदम बिल्कुल उसी की तरह मैच कर रहा है, देखो बिल्कुल सेम है, वैसा ही तो है, जैसे उसमें Q इंटू एल था, इसमें M इंटू एल था। वहां पर Q चार्ज बताता था या चार्ज का स्ट्रेंथ, यहाँ पर जो स्मॉल m है वो पोल स्ट्रेंथ बताता है। यहाँ पर L याद है कि माइनस Q और प्लस Q का दूरी होता था, यहाँ पे भी L वही होता है, माइनस m और प्लस m या नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हुआ। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना है, दिस इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पोल स्ट्रेंथ जो है ये स्केलर क्वांटिटी है चार्ज की तरह, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन जो होता है वो होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये भी इसी से कॉपी किया हुआ है, याद है पी जो होता है वो वेक्टर होता है और पी का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, ठीक है। तो हम चाहें तो एक बार मैग्नेट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसको, बार मैग्नेट को, और इसके ऊपर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये एम है, इसमें जो एरो है ये नॉर्थ पोल है और इधर में आपका साउथ पोल है, ऊपर में मैग्नेट बना देते हैं, असल में ये मैग्नेट है आपका, ठीक है। और इसी मैग्नेट को हम लोगों ने क्या किया है कि अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, ठीक है। जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू को भी याद है हम लोग ऐसे एरो करके डाइपोल बोल के दिखाते हैं, ऐसे उसी तरीके का सेम कॉन्सेप्ट है। तो डायरेक्शन होता है इसमें माइनस क्यू से प्लस क्यू और इसमें भी होता है माइनस एम से प्लस एम, दैट इज साउथ टू नॉर्थ। अब इसमें एक और चीज मिस कर रहा है लास्ट में, यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट जो होगा ऑफ डाइपोल मोमेंट एम ये क्या होगा, तो देखिए स्मॉल एम का यूनिट क्या था, एम्पियर मीटर, और एल का यूनिट है मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये यूनिट्स आगे चल के और क्लियरली समझ में आएंगे जब फॉर्मूला पढ़ेंगे। बगल में मैंने जानबूझ करके इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला एग्जांपल लिया है क्या, ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है या बार मैग्नेट, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला सारा फॉर्मूला आपका फॉलो करता है, नोट करो इसको। चलो इसमें एक दो और छोटा छोटा पॉइंट है, यहीं पर बता देते हैं ताकि एक ही पेज पे सारा क्लियर रहे। देखिए बार मैग्नेट जो होता है इसका लेंथ जो होता है, इसको लेंथ के लेकर के भी थोड़ा सा थ्योरी है, और वो थ्योरी क्या है कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है जिसको हम लोग मानते हैं कि एंड पर है, ये एग्जैक्टली एंड पर नहीं होते हैं, ये एंड से थोड़े से इनवर्ड होते हैं, हल्का सा अंदर होता है। अब ये जो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला कैपिटल एम वाला, कैपिटल एम जो क्या है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ है, ये पोल स्ट्रेंथ इनटू जो लेंथ लिखते हैं इसमें लेंथ साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का होना चाहिए, ठीक है ना। तो साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का ये जो असली लेंथ है, ये लेंथ, ये आपके बार मैग्नेट के ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा कम होता है, जाहिर सी बात है क्योंकि भाई ये थोड़े से इनवर्ड होते हैं। तो इस लेंथ को, साउथ और नॉर्थ के बीच का एग्जैक्टली जो लेंथ है, इसे हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं और इसे एलएम लिखते हैं। और जो बार मैग्नेट का ओरिजिनल लेंथ है, अगर ओरिजिनल लेंथ दिखाएं तो यहां से यहां तक है, ये वाला है पूरा लेंथ इसका, ये लेंथ से आपका मैग्नेटिक लेंथ छोटा होता है, ओरिजिनल लेंथ को हम लोग लिखते हैं एल जी। तो एल जी जो होता है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, एलएम होता है मैग्नेटिक लेंथ। तो ये जो स्मॉल एम इंटू एल लिखते हैं इसमें जाहिर सी बात है आपको कौन सा वाला लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, क्योंकि हमें साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एल एम एल जी से कम होता है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 0.84 का रेशियो होता है इन दोनों में, मतलब एल एम जो है दिस इज 84% या यूं कह सकते हैं 0.84 टाइम्स ऑफ एल जी।
तो अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है सपोज 10 सेंटीमीटर का, तो बार मैग्नेट का एलजी होगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसका मैग्नेटिक लेंथ जो होगा वो 0.84 इंटू 10 करोगे तो 8.4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोगों को अक्सर क्वेश्चंस में बार मैग्नेट का सिर्फ लेंथ लिखा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए दोनों में अंतर नहीं करते हैं। कैलकुलेशंस में हम लोग LM इज इक्वल टू LG मान लेते हैं, LM इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू LG, लेकिन बस याद होना चाहिए कि एक ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, एक मैग्नेटिक लेंथ, और मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होता है, ठीक है। ये नीट वगैरह में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में कभी कभी पूछ देता है कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो क्या है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दो लेंथ नहीं मिलेगा, हमेशा लिखा रहेगा लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो ये बहस नहीं करना है कि सर ये कौन सा वाला लेंथ है, लेंथ दिया है ना, सीधे मास से एम से मल्टीप्लाई करो, पोल स्ट्रेंथ से डाइपोल मोमेंट आपको आ जाएगा। सपोज एक बार मैग्नेट का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ इज सपोज 20 एम्पियर मीटर, तो उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, खटाखट कॉपी में सॉल्व करके आंसर बताओ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो m क्या होता है, सिंपली स्मॉल m इंटू l होता है, बस यूनिट के लिए बताया। स्मॉल m आप 20 एम्पियर मीटर है तो इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी दोनों एम्पियर और मीटर SI यूनिट में है, लेकिन लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है तो इसे 0.1 मीटर रखेंगे और ये आ जाएगा 2 एम्पियर मीटर इसका, ठीक है। देखो दूसरा एग्जांपल, हम लोगों ने क्या किया कि एक बार मैग्नेट ऐसे ली, ठीक है, और एक बार मैग्नेट हम लोगों ने ऐसे, दूसरा बार मैग्नेट यहाँ पे लिया ऐसे, ये हो गया दो बार मैग्नेट, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या है कि इन दोनों बार मैग्नेट के बीच में 60 डिग्री और दोनों बार मैग्नेट का यहाँ पर आपका साउथ पोल जानबूझ करके रखा गया है चिपका के, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि इस तरह से रखा गया है, अदरवाइज साउथ साउथ को रिपेल करता है, भाग जाएगा, इस तरह से रखा गया है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल एम है और इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल एम है, डाइपोल मूवमेंट दोनों का सेम है, तो इस पूरे सिस्टम का मिला करके नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, या नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो देखो चूंकि m इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे कि इसका वेक्टर डायग्राम बना लेंगे, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ और ये भी साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये दो वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों जो है दोनों का पोल स्ट्रेंथ आपका सेम है, पोल स्ट्रेंथ कह रहे हैं क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम है, तो इसको मान लो कि भले ही m2 वेक्टर है और ये भले ही m1 वेक्टर है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो इन्हीं के बीच में आता है, वो कैसे आता है, पैरेललोग्राम लॉ से आप बना सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे पैरेललोग्राम बना दो, ऐसे वेक्टर एडिशन में पढ़ा है ना वो वाला, ऐसे ऐसे बनेगा, तो इन दोनों का मिला करके जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो नया रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा, यही ना पूछा है, नया वाला एम एम डैश मान लेते हैं, तो ये जो एम डैश होगा पहली बात तो दोनों के बीच में होगा, 30 डिग्री पे होगा, और जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो 2m
cos थीटा बाई टू आता है। ये हम लोगों ने क्लास इलेवेंथ में वेक्टर में पढ़ा था कि दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हो तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m और cos 30 होगा, cos 30 रूट थ्री बाई टू, तो m रूट थ्री आएगा नेट डाइपोल मोमेंट। क्लियर, नोट कीजिए।